बयाना के राजकीय महाविद्यालय परिसर में समर्थन मूल्य पर गेहूं सरसों चना की समर्थन मूल्य पर खरीद की जा रही है। ये खरीद क्रय विक्रय सहकारी समिति की ओर से राजफेड के लिए की जा रही है, जहां पर किसानों के साथ धोखाधड़ी कर तोलाई में गड़बड़ी हो रही है। गेहूं में 400 ग्राम और सरसों में 500 ग्राम और चना में 300 ग्राम की अधिक तोल ली जा रही है। जैसे ही किसानों ने मापदंडों को अपने निर्देशन में तोल कर देखा तो वास्तविकता में गड़बड़ी मिली। किसानों ने कृषि उपज मंडी समिति के खिलाफ परिसर में ही विरोध प्रदर्शन चालू कर दिया। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के प्रदेश उपाध्यक्ष भूरा भगत ने सभी अधिकारियों को गालियां देते हुए खरी खोटी सुनाई और कहा कि जब तक किसानों के साथ न्याय नहीं होगा तब तक वहां से की गई खरीद का एक भी कट्टा नहीं उठाने दिया जाएगा। पहले भी कई बार समर्थन मूल्य पर तुलाई के मामले में घपलेबाजी सामने आ चुकी है, लेकिन फिर भी अधिकारियों के कानों पर जूं तक रेंगती नहीं है। बयाना से एनटीवी टाइम के लिए संवाददाता निखिल सक्सेना की रिपोर्ट। जिम्मेदार कौन है साहब? वो 51 किलो का है, फिक्स 51 किलो की तुलाई के आदेश दे रखे हैं, लिखित में दे रखे हैं। राजफेड के द्वारा जितना भी मापदंड और कृषिपज मंडी के द्वारा जो मजदूरी की दरें वो निर्धारित कर रखी हैं और उसी को इनको मान्य करके बता रखा है कि भाई इतना वजन सरसों का लेना है, इतना चना का, इतना गेहूं का और प्रत्येक किसान से इतने रुपए तुलाई के हिसाब से जो निर्धारित है मजदूरी बयाना क्रय विक्रय मतलब बयाना किसपज मंडी की बोई मान लो। इसके अलावा मापदंडों में गड़बड़ी मिल रही है, इसका जिम्मेदारान कौन है? इसके लिए मतलब केंद्र में जो प्रभारी है उससे उसको जो आदेश दिए उससे ही बात करेंगे। हम ऐसा क्यों चल रहा है? नहीं, यहाँ पर जो तुलाई हो रही है उसमें गड़बड़ी मिली है। उसका जिम्मेदार कौन है? इसके लिए ठेकेदार को जिम्मेदार ठहराएंगे वो, क्योंकि अगर हमने जब आदेश दिए और उसके बाद भी अगर वो इस चीज के लिए इनको जो अपने मजदूर है ठेकेदार पे क्या कार्रवाई करोगे आप? ये जो तुलाई ज्यादा मिल रही है किसानों पे से 300 ग्राम 500 ग्राम अतिरिक्त लिया जा रहा है, 500 ग्राम अतिरिक्त लिया जा रहा है, इस पर क्या कार्रवाई है? 500 ग्राम अतिरिक्त लिया जा रहा है किसानों से। कौन से में सरसों में 500 ग्राम अतिरिक्त है हमारे पास? सर मेरे को सारे कट्टों का वजन 10 कट्टे सैंपलिंग में चेक करते हैं। 1 जून को मेरी चना की ट्रॉली भेजी मैंने, मेरे बच्चे लेके आए यहाँ चना की तुलाई करवाई, उसमें 51 किलो की भर्ती ली एक, और जबकि उसमें जो आदेश देखे उसमें 50 किलो 540 ग्राम का वेट था और उसमें उन्होंने 51 किलो का वेट लिया। दूसरी बात, जब मजदूरी की बात आई तो 4 क्विंटल चनों के 80 रुपये लिए। अब मैंने पूछा भाई क्या रेट है आपकी, कहे 6 रुपये। अधिकारी कह रहे हैं 6 रुपये और पल्लेदार बोल रहे हैं साहब 10 रुपये, तो हमने दे दिया। इसलिए मैंने जाकर इन सब किसान लोगों को, हमारे भगत जी को जाकर के कहा कि भाई हमारे जो कॉलेज में जो विक्रय केंद्र है उस पर बुरी तरह से लूटा जा रहा है, इसलिए हम यहाँ आकर अब अड़ गए और अड़ गए, किसानों को नहीं मरने देंगे चाहे हमारे प्राण चले जाए सब। हमको पता लगा, लोगों ने बताया कि बयाना जो बिक्री केंद्र है वह बहुत धांधली चल रही है। हम लोग यहाँ आए, हमने स्थिति देखी, 50 किलो की जो भर्ती है सरसों की उसमें 51 किलो 200 ग्राम 300 ग्राम इस तरह से ले रहे हैं, और वही चना की स्थिति है 50 किलो की भर्ती 50 किलो 500 ग्राम की और उसमें 51 किलो 300 ग्राम यानी 300 ग्राम एक्स्ट्रा ज़्यादा उसमें ले रहे हैं। वही स्थिति गेहूं की हमको पाई गई है, तो ये कितनी बुरी बात है कि एक किसान पर एक बोरी में सरसों में 850 ग्राम सरसों को एक्स्ट्रा ले रहे हैं, वो 6 रुपए की वो है रेट, और जो तुलाई की जो मजदूरी है जो पल्लेदारों की जो तुलाई की मजदूरी लगती है वो राज्य सरकार द्वारा या यहाँ के प्रशासन के द्वारा 6 रुपए प्रति कट्टा रख रखा है, और ये पल्लेदार 10 रुपए प्रति कट्टा तुलाई का ले रहे हैं किसान से। तो कितना भ्रष्टाचार है, ये क्या अंधेरगर्दी हो रही है। और किसान के लिए आपको बताऊं, वो
छाया की व्यवस्था कितनी सुंदर बना रखी है, पानी की व्यवस्था कितनी सुंदर बना रखी है, और पानी के और छाया के नाम पर कितना पैसा खा रहे हैं ये किसान। पहले तो सर्दी गर्मी में किस तरह से अपनी फसल को तैयार करता है, तैयार फसल पर भी पाला पड़ जाता है, ओले पड़ जाते हैं, और ओले की भी मार सहन की राज्य सरकार ने कोई मुआवजा नहीं दिया। राज्य सरकारें लंबी लंबी बातें करती हैं और किसान के नाम की दुहाई देती हैं, लेकिन किसान यह लुट रहा है। किसान के साथ क्या जो कि नाइंसाफ़ी हो रही है, जो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम जब तक पूरे माल को नहीं उठने देंगे, जब तक पूरी तोल नहीं होगी, और जितना माल अब तक तोला है उसका सबका उस किसान का सबका जो कि माल का आकलन करके उस क्वांटल के द्वारा माध्यम से कि कितने क्वांटल है उसका आकलन करके, और उस किसान का पैसा उस किसान तक नहीं पहुंचेगा जब तक हम इस माल को नहीं उठने देंगे। अधिकारियों का क्या कहना है? अधिकारियों का कहना है कि 50 किलो 400 ग्राम की वजन ले रहे हैं एक में 700 और एक में ले रहे हैं 50 किलो 540 और एक में ले रहे हैं 51 किलो। ये सब गलत पाया गया, और फिर आपको भी दिखाया है हमने अपने हाथों से कांटों पर तोड़ तोड़ करके दिखाया है। इस तरह की ना इंसाफी होगी, और मैं कह देना चाहता हूँ उन दलुआओं से, उन भ्रष्टों से कह देना चाहता हूँ, चाहे कोई अधिकारी हो या कोई नेता हो, कि इस किसान के साथ बयाना में ना इंसाफी नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे।